এবং দর্শন করবে লিঙ্গরাজ দর্শন করবে ক্যামেরা পর্সন অজিত কু কবি সে দেখবে সেপটে ব্যারিকেড রে কিভাবে ভাবে অপেক্ষা করে রয়েছেন এটি যে সাধারণ জনতা অপেক্ষা করে রয়েছেন বিজেপির কর্মী অপেক্ষা করে রয়েছেন কেতবে প্রধানমন্ত্রী আসবে এবং সে স্বাগত করবে যা সূচনা রয়েছে আটটা পঞ্চাবন ছাড়বে রাজভবন ছাড়বে প্রধানমন্ত্রী এবং নটা পাখাপাখি পৌঁছবে আসি লিঙ্গরাজ মন্দির পাখে পৌঁছবে এবং দর্শন করবে সে সব ব্যবস্থা হয়েছে এবং আমার প্রতিনিধি লক্ষ্মী যেভাবে কৌলে আমার সহযোগী সে অপটে মন্দির বেড়া ভিতরে যেত প্রধানমন্ত্রী পরিভ্রমণ করবে সেতবে বেড়া ভিতরে দর্শন করবে সেতবে আমি সিধাসলক চিত্র আপনার দর্শক মানুষ দেখাই পারা তেমন এথিপাই আমি কইপার মোটামুটি ভাবে সবু প্রকার প্রস্তুতি সরিছি অপেক্ষা রয়েছে সেই মুহূর্তক কেতবে প্রধানমন্ত্রী আসি পৌঁছবে লিঙ্গরাজ মন্দির পরিসর এবং প্রশান্ত আপনার সহ লগাতার ভাবে এ প্রসঙ্গে আলোচনা আগক জারি রহব কিন্তু লিঙ্গরাজ মন্দির যা পূর্ব মোদি পাইক বিদ্রোহে শহীদ বীর যোদ্ধাঙ্ক পরিবারকু সম্বর্ধনা জনাউছন্তি রাজভবনরে মোদি সেমানঙ্ক পরিবার বর্গঙ্কু সম্বর্ধনা জনাউছন্তি ফলরে এহাকু নেই সমস্তে নিজকু গর্ব অনুভব করুছন্তি এহা পরে মোদি মহাপ্রভু লিঙ্গরাজক দর্শন করিবা পাই জিবে আপন দেখুছন্তি রাজভবনরু এহার সিধা প্রসারণ পাইক বিদ্রোহর বীর যোদ্ধাঙ্ক পরিবারকু সম্বর্ধনা করুছন্তি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি दीनबंधु सामंतराय महापात्र ये पाइक विद्रोह के नायक बख्शी जगबंधु के प्रमुख सहायक थे एवं उनके साथ साथ रहकर विद्रोह को परिचालित किया था। उनके पांचवी पीढ़ी श्री मानवेंद्र महारथा आज हमारे साथ उपस्थित हैं। दामा सुपुत्री मंगराज ये भी बख्शी जगबंधु के सहयोगी में से प्रमुख थे एवं अपना नाम बदल बदल कर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित कर रहे थे। उनके पांचवी पीढ़ी श्री हतानाथ मंगराज आज हमारे पास उपस्थित हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं।
रेंडो माझी 1855 में कलाहांडी रियासत में इनके नेतृत्व में कंध जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन किया, जिसको इन्होंने एक जन आंदोलन का रूप दिया। बाद में गिरफ्तार हुए एवं उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनकी चौथी पीढ़ी योगेश्वर माझी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। वीर सुरेंद्र साय उड़ीसा के वरपुत्रों में से श्रेष्ठ। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ 30 से ज्यादा साल तक लड़ते लड़ते रहे। सिपाही विद्रोह के पहले 1827 से लेकर 1864 तक वे अंग्रेजों को खंगोरपुर की नीति से भगाने की कोशिश में लगे रहे। आखिर में अंग्रेजों ने छल पूर्वक उनको गिरफ्तार किया एवं उनकी मौत जेल में ही हो गई। उनकी पांचवी पीढ़ी लाल धीरेन्द्र साय आज हमारे साथ उपस्थित हैं। माधो सिंह ये भैंस के जमींदार थे और सुरेंद्र साय जी से प्रेरित होकर पूरे परिवार के साथ अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। उनके चार बेटे 1865 तक लड़ते रहे एवं या तो फांसी के खंभे को चुन लिए या फिर काला पानी भेज दिए गए। उनकी सातवीं पीढ़ी रंजीत सिंह बढ़िया आज हमारे साथ उपस्थित हैं। चक्की कुटिया 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में ये फांसी रैली के कुछ पुरोहित थे एवं राजगुरु होने के साथ साथ उनके सेना के साथ नजदीक से काम किए। उनकी पांचवी पीढ़ी हजूरी भीमसेन कुटिया आज हमारे साथ उपस्थित हैं। चक्र बिसोई व दौरा बिसोई आधुनिक कंधमाल के कई जनजातियों ने अंग्रेज के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व पहले चक्र बिसोई एवं बाद में उनके भतीजे दौरा बिसोई ने किया था। इन दोनों कंध जनजातियों के लोगों को संगठित कर दो पीढ़ी तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। उनकी पांचवी पीढ़ी श्री नेताजी बिसोई आज हमारे साथ उपस्थित है। रघुनाथ महंती व दिवाकर परेड़ा ये दोनों अभिन्न मित्र थे एवं रणपुर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए उनका नेतृत्व किया। पॉलिटिकल एजेंट बैसल के साहब को 1939 में हत्या की एवं उसी सिलसिले में 1941 को भागलपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दी गई। आज हमारे साथ रघुनाथ महंती के दूसरे पीढ़ी से दीप्ति कुमार महंती एवं दिवाकर परेड़ा के दूसरे पीढ़ी विक्रम परेड़ा हमारे पास उपस्थित है। लक्ष्मण नायक जनजाति के महान नेता वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने लोगों का नेतृत्व किया एवं इस कारण उनको फांसी चढ़ा दी गई। उनके तीसरे पीढ़ी मुकुंद नायक आज हमारे साथ उपस्थित हैं। लक्ष्मी इंदिरा पंडा म्यांमार में पैदा हुए इन्होंने नेताजी सुभाष बोस के आजाद हिंद फौज में शामिल हुए एवं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। उनके दूसरे पीढ़ी सुरेंद्र पंडा आज हमारे साथ उपस्थित हैं। कार्यक्रम के अंत में उड़ीसा वासी एवं समस्त उपस्थित देवियों और सज्जनों से की ओर से प्रधानमंत्री जी का और अन्य उपस्थित अतिथियों का अपने बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए ये सौभाग्य की पल है
आज इतिहास का गौरवपूर्ण रूप से स्मरण किया गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि इतिहास के इस महान बलिदान की गाथाओं को बनाने में जिनके पूर्वजों ने प्राण की बाजी लगा दी, उन परिवारजनों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मानव जात के विकास की यात्रा में जितना सामर्थ्य सपनों का होता है, उतना ही सामर्थ्य इतिहास के स्मरण का होता है। इतिहास एक जीवंत प्रेरणा होता है और मानव जाति को अपने सपनों को साकार करना है तो इतिहास के उन स्वर्णिम पृष्ठों के साथ अपने आप को जोड़े रखना चाहिए, उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए, उससे नीचे जाने का कभी भी किसी भी पीढ़ी में अवसर नहीं आना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के इतने बड़े संग्राम को कुछ ही वर्षों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही परिवारों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही घटनाओं में सीमित कर दिया गया, जबकि भारत की आजादी का आंदोलन जन जन का आंदोलन था, त्याग और बलिदान की घटनाओं से भरा हुआ आंदोलन था। लगातार 700-800 साल तक बलिदान की श्रृंखला चली थी। भारत जैसे स्वाभिमानी देश के लिए आवश्यक है कि हम उन सारी घटनाओं का स्मरण करें और इसलिए एक योजना भारत सरकार ने बना ली है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में जनजाति के लोग रहते हैं, उस राज्य में 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 250 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया था जनजातीय लोगों ने। उनका योगदान अप्रतिम है और इसलिए भारत सरकार ने योजना बनाई है कि देश के 50 प्रमुख स्थानों पर जनजातीय लोगों ने आजादी के आंदोलन में जो योगदान दिया है उसको वर्चुअल म्यूजियम के द्वारा पुनर्जीवित किया जाए, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि आज भी जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले, अभाव की जिंदगी जीने वाले इन जनजातीय हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए कितने बड़े बलिदान दिए। समाज के उपेक्षित इन वर्गों के सामर्थ्य को, शौर्य को, समर्पण को, त्याग को, तपस्या को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, सीखे, जिए, उस दिशा में प्रयास है। उड़ीसा इस पूरी संघर्ष यात्रा में सिरमौर रहा है, यहां के जनजातीय सिरमौर रही है। सैकड़ों लोगों ने फांसी के तख्त को चूमा है, हजारों लोगों ने जवानी जेल में गुजारी है। आने वाली पीढ़ी को इतिहास जीवित रखने के लिए ये वर्चुअल म्यूजियम की एक बड़ी योजना अब टेक्नोलॉजी के कारण ये संभव हुआ है, उस पर काम चल रहा है और एक के बाद एक देश के अलग अलग राज्यों में
जहां जनजातीय समुदाय ने आजादी के जंग का नेतृत्व किया है, उन घटनाओं को चित्रित करने का उस समय के, जैसे यहां बख्शी जी ने पूरा उस समय नेतृत्व दिया था, ऐसी घटनाओं को आज की पीढ़ी को बताना यह आवश्यक है। उस दिशा में काम होने वाला है। मैं फिर एक बार अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, आप सबके आशीर्वाद बने रहे, आपके पूर्वजों के त्याग और तपस्या के अनुकूल 2022 में जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, देश को दिशा में उनके सपनों वाला देश बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास करें। आप सबको मेरी तरफ से जय जगन्नाथ।